एक बार फिर पुलिस उतरी सड़कों पर। इस बार उद्देश्य वाहन चेकिंग नहीं, अपराध नियंत्रण। रीवा पुलिस चाहती है शहर में अपराध कम हो, खास तौर से चैन स्नैचिंग और वाहन चोरी की घटनाएं रोकना चाहती है। इसके लिए यातायात पुलिस ने एक मुहिम फिर से प्रारंभ की है। इस बार उसने एक ही समय पर दो पॉइंट लगाकर चेकिंग करने की तैयारी की है। चेकिंग उन स्थानों पर करने की प्लानिंग की गई है जिस जगह पर अपराध करने के बाद रास्ता बदलकर गायब हुआ जा सकता है। इसी के चलते TRS कॉलेज के पास पुलिस ने चेकिंग लगाई, गाड़ियों को चेक किया। जो लोग चेहरे पर कपड़े बांधकर जा रहे थे उनके कपड़े उतरवाए, चेहरा खुलवाया, उनको नसीहत दी गई, सड़क पर यातायात के नियमों का पालन करते हुए चलें। इस बारे में हमने यातायात पुलिस के DSP मनोज वर्मा से बात की। आइए आपको सुनाते हैं यातायात दुरुस्त करने के साथ अपराध पर नियंत्रण करने की रोकथाम की यातायात पुलिस क्या तैयारी कर रही है। नहीं, ये यातायात की कार्रवाई नहीं है जी, ये बेसिक रूप से IG साहब, DI साहब, SP साहब के निर्देशों पर अपराध करके भागने वालों पे नज़र रखने की जो हमारी CCTV कैमराज हैं, उसके अलावा फिजिकल उपस्थिति है, इसके दो उद्देश्य हैं कि जो अपराध करके भागेंगे उन पर नज़र, यदि कोई कंट्रोल की जानकारी होती है तो एक एग्जिट पॉइंट या इसको नाकाबंदी कह लें, ये सारी जगह जहाँ आपको चेकिंग दिखेगी वो ऐसे एक बड़े स्तर पर चिन्हित किए गए हैं कि यहाँ से आदमी अपराध करके भाग सकता है शहर से बाहर। उन स्थानों पर काफ़ी दो पॉइंट चिन्हित किए गए हैं कि एक टाइम पे दो दो पॉइंटों पे चेकिंग होगी और अपराध पर नियंत्रण हो रहा है। जब से ये चेकिंग चालू हुई है वाहन चोरी, चेन स्नैचिंग और अन्य छेड़छाड़ की घटनाओं को पिछले 3 दिनों काफ़ी प्रति अंकुश भी लगा है। इसका मुख्य उद्देश्य वाहन चेकिंग नहीं है, इसका मुख्य उद्देश्य अपराध नियंत्रण है। और हमारे अधिकारियों की जो मंशा है उसमें इस शहर की जनता को काफ़ी लाभ हो रहा है। सुगम रूप से निश्चिंत होकर आप अपने शहर में घूमें, व्यापार करें, बाजार करें, ये एक उद्देश्य है और ये बहुत ही धनात्मक पॉजिटिव कार्रवाई चल रही है।